तो हेलो फ्रेंड, दीदी की रसोई में आप सभी का स्वागत है। आज हम भरवा करेला एक अलग तरीके से बनाएंगे। तो इसके लिए हमने ये देखिए आज 10 छोटे छोटे करेले ले लिए हैं, उसको ऊपर से छील के उसका छिलका भी है, साथ में थोड़ा सा पनीर है और प्याज घिसा हुआ है। ये सारे मसाले हैं, मिक्स मसाला, काली मिर्च आधा चम्मच, आधा चम्मच जीरा पाउडर, जीरा और हींग और अजवाइन और स्वाद अनुसार नमक। तो इसको हम चलिए हम बनाते हैं। हमको करेला बनाने के लिए पहले करेला हमको डीप फ्राई करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैंने एक कढ़ाई में, लोहे का कढ़ाइया हो तो ज़्यादा अच्छा हो, और सरसों का तेल अच्छे से गरम कर लिया है। तो देखिए इसको हम आराम आराम से एक एक करके डालेंगे, हमारा एक बार में सारा करेला आ जाएगा। और आराम से इसको हम फ्राई कर, लगभग लगभग होने लगा है गोल्डन करेल का। एक चीज़ मैं भूल गई बताना, तो पहले आप करेले को छीलने के बाद 10 मिनट तक हल्दी और नमक माने पानी में भिगो दें, ताकि इसका थोड़ा कड़वापन चला जाए। वैसे तो कड़वा होता नहीं है, लेकिन कड़वापन चला जाए तो पहले भिगो दें। तो ये देखिए हमारा गोल्डन होने लगा है, अब हम थोड़ी देर बाद इसको निकाल लेंगे और उसके बाद हम मसाला तैयार करेंगे। ये देखिए हम इसका मसाला तैयार करने के लिए एक कढ़ाई में सरसों का तेल गर्म करके पहले हम इसमें जीरा डालेंगे, फिर हरी मिर्च। जब थोड़ा हरी मिर्च और जीरा हो जाए उसके साथ में प्याज डाल के थोड़ा सा गोल्डन होने तक इसको भून लेंगे। ये देखिए हमारा प्याज हल्का गोल्डन होने लगा है। फिर हम इसमें जो करेले का छिलका उतार के रखे हैं उसको भी हम हल्का सा भून लेंगे, साथ में इसके नमक भी डाल देंगे ताकि अच्छे से गल जाए। नमक स्वाद अनुसार डालेंगे और इन दोनों को अच्छे से भून लेंगे हम। ये देखिए हमारा प्याज और जो हमने करेले का छिलका रखा है दोनों गोल्डन ब्राउन हो चुका है, साथ में हम पनीर डाल के भी थोड़ा सा भून लेंगे। ये देखिए हमारा लगभग तीनों चीज़ अच्छे से गोल्डन हो चुके हैं। अब ये हम सारे मसाले एक साथ डाल देंगे और 10 मिनट अच्छे से भून देंगे और उसके बाद गैस बंद कर देंगे। देखिए हमारा मसाला बिल्कुल तैयार है, गोल्डन कलर का हो चुका है। अब हम गैस बंद कर चुके हैं, साथ में इसमें एक चम्मच हम अमचूर मिला देंगे ताकि हमारा करेला जो भी कड़वा लगने वाला हो कड़वा ना लगे और अच्छा सा टेस्ट आए। तो हम इसमें अमचूर मिला करके गैस बंद कर देंगे और पेस्ट ठंडा होने देंगे। ये देखिए हमारा फिलिंग और करेला दोनों तैयार है, अब इसको हम भर देते हैं। भरने के बाद इसको आप एक हफ्ते तक स्टोर कर सकते हैं, जब खाना हो तब आपको गर्म कर लीजिए। तो आप भी बनाएं, हमें बताएं कैसा लगा दीदी की रसोई चैनल को। और ये बनाने में आपको टाइम भी ज़्यादा नहीं लगेगा, फ्री टाइम में इसको सारा तैयार करके और तुरंत बना लीजिए। तो देखिए भरवा करेला।